स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जाज से। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, कभी कभी हम दिस इवनिंग का यूज़ करते हैं, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून। तो दिस इवनिंग का मतलब होता है कि जिस भी सेंटेंस में हमें कहना हो कि आज शाम, ऐसा नहीं कि टुडे इवनिंग नहीं बोलेंगे, टुडे इवनिंग की जगह पर हम लोग दिस इवनिंग बोलेंगे, ये सही है, दिस इवनिंग, आज शाम। सिमिलरली अगर हमें कहना हो आज सुबह, तो हम क्या कहेंगे, सिमिलरली हो जाएगा दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, आज सुबह। तो इस तरह से आप दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग का यूज़ करके आज शाम, आज सुबह वाले सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर सेंटेंस में अगर हमें ऐसा कहना हो कि आप आज शाम 6 बजे मिल सकते हैं, आप आज शाम 6 बजे मिल सकते हैं, 6 बजे मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। यहाँ भी हमने अभी क्या आपको बताया है कि आज शाम के लिए हम लोग दिस इवनिंग का यूज़ करेंगे, या फिर आज सुबह हो तो दिस मॉर्निंग का यूज़ करेंगे। तो आप मिल सकते हैं कितना, 6 बजे आज शाम, ये पूरा सेंटेंस ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए यू होगा, आप मिल सकते हैं, यहाँ पे सकते हैं तो यहाँ पे कैन लगाना है, यू कैन मीट, ठीक है, यू कैन मीट, यानी आप मिल सकते हैं कब, 6 बजे, एट 6 o'clock आज शाम, यू कैन मीट एट 6 o'clock दिस इवनिंग, दिस इवनिंग, यानी आप शाम 6 बजे मिल सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी बेसिस पे, अगर सेंटेंस में हमें कहना हो। एग्जांपल नंबर टू कि तुम्हें आज सुबह, या तुम्हें आज सुबह, या फिर तुम्हें आज दोपहर भी बोल सकते हैं, तुम्हें आज दोपहर यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस अगर हमें ऐसा कहना हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ भी देख सकते हैं, आज दोपहर है। तो इसमें भी आपको जस्ट आपको बेसिक आपको याद रखना है कि दिस का यूज़ करके आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो तुम्हें आना है यहाँ, तो देखते हैं यहाँ पे ना है तो यहाँ पे हैज टू, हैव टू का हम लोग यूज़ करेंगे, तू यू और यू के साथ हैव टू का यूज आएगा, यू होगा, या यहाँ क्योंकि ना है सेंटेंस में, बाद में ना है आया है, तो यू हैव टू कम हेयर, यू हैव टू कम हेयर, तुम्हें यहाँ आना है आज दोपहर, ठीक है। तो आज दोपहर के लिए क्या होगा, दिस आफ्टरनून, दिस आफ्टरनून, दिस आफ्टरनून। तो आपको इस वे में आपको इजीली किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना होता है कि अगर कल शाम, तो कल शाम है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टुमारो का हम लोग यूज कर लेंगे, कि टुमारो इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून। तो इस तरह से आप सेंटेंस का ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन आज शाम या आज सुबह अगर हमें लिखना हो तो हम लोग दिस का यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।